राधे 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 राधे। तो गाइज यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा हमारा स्कॉन टेम्पल। तो आज हम आपको एक्सप्लोर कराएंगे स्कॉन टेम्पल। वाओ। सो गाइज एक बार फिर से आपको एक नया मंदिर दिखाने जा रहे हैं हम, जो बहुत ही भव्य है और शानदार है, जहाँ पर आपको अंग्रेज भी देखने को मिलेंगे, पता है? हाँ जी, फॉरन मतलब कंट्री से भी बहुत लोग आते हैं यहाँ पर। इस्कॉन टेम्पल की मान्यता बहुत ज्यादा है यहाँ। चलिए देखते हैं। तो देखिए गाइस, यहाँ पर ना जैसे ही हम आते हैं, एंट्री करते हैं, तो स्लीपर्स के लिए यहाँ पर थैले दिए जाते हैं, तो हम उसमें रखेंगे स्लीपर। तो देखिए स्लीपर जमा की जा रही है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल, दिस इज रश्मि त्यागी। तो गाइस आज मैं आपको एक्सप्लोर कराऊंगी इस्कॉन टेम्पल। काफी सुंदर मंदिर है, तो चलिए चलते हैं अंदर। मंदिर की एंट्री यहाँ से हो जाती है स्टार्ट। से हो जाती है मंदिर परिसर में एंट्री, और अब हम करने जा रहे हैं सभी। और पूरा मंदिर बहुत बड़ा है, रात के समय यहाँ पर लाइटिंग होती है। अभी थोड़ा दिन हो रहा है तो लाइटिंग तो नहीं होने वाली, एक घंटे बाद अंधेरा हो जाएगा। कोई नहीं, दिन में ही दर्शन कराते हैं आपको, काफ़ी अच्छा लगेगा। तो चलिए हमारे साथ दर्शन कीजिए। मंदिर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। गाइस बहुत ही सुंदर मंदिर है, और मंदिर के अंदर ना कृष्ण और बलराम की प्रतिमाएँ बहुत ही खूबसूरत हैं, जो इतनी आकर्षित करती है हमको कि लगता है कि यहाँ बार बार दर्शन करने के लिए आया जाए। चलते हैं, चलते हैं मंदिर के अंदर। तो गाइस हमने माला ले ली, तुलसी माला, अब हम अंदर कृष्ण जी को चढ़ाएंगे। ठीक है जी, देखिए कान्हा जी कितने सुंदर लग रहे हैं यहाँ पर। चलिए, नहीं, हरे रामा हरे कृष्णा, नहीं हरे कृष्णा हरे 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 रामा, हरे रामा
तो यहाँ भी काफी अच्छा है बैठने के लिए, देखिए। चलो चलो, जय श्री राधे। तो यहाँ बुक्स वगैरह भी मिलती हैं, बुक स्टॉल है और काफी भव्य मंदिर है गाइस। चलो जी, हमने एक्सप्लोर करा दिया आपको, चलते हैं शेरावाली मंदिर में। ये देखिए, होप सो गाइस आपको ये मंदिर परिसर बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट मंदिर में जो है शेरावाली टेम्पल। तो चलते हैं वहाँ, आपको कराएंगे एक्सप्लोर। इसकी तो बना लो, इसकी बना लो, ले। अरे तो बंद ही पड़ा है, करना मत तो दीजिए मेरा। तो गाइज एक बार फिर से जा रहे हैं शेरावाली माता मंदिर के, यहाँ पर गुफा वाला मंदिर भी बोला जाता है जिसको। ओह, धचके लग रही है बड़ी ऑटो में। माँ वैष्णो देवी धाम, माँ वैष्णो देवी धाम। गाइज देखिए, अब आ चुके हैं हम माँ वैष्णो देवी धाम टेंपल और अब हम आपको कराएंगे एक्सप्लोर। काफी अच्छा मंदिर है, शोर काफी हो रहा है तो अंदर चल के दिखाते हैं। देखिए गाइज, हम आ गए हैं वैष्णो देवी मंदिर, वैष्णो धाम। देखिए कितनी बड़ी प्रतिमा है माता रानी की। जय माता दी। लग रहा है ऐसा ही बंद हो जाएगा गेट। जय माता दी, बोलो जोर से, बोलो जय माता। तो देखिए गाइज, यहाँ का भव्य नजारा, काफी सुंदर मंदिर है। तो चलते हैं मंदिर के अंदर और यहाँ माता की कितनी विशाल प्रतिमा है, माय गॉड। चलते हैं गुफा में, कराते हैं आपको दर्शन। तो गाइज अंदर जाके आपको कराएंगे माता रानी के दर्शन। यहाँ पर काफी प्राचीन गुफा बताई जा रही है कि काफी बड़ी और सुंदर गुफा है, तो वहाँ अंदर चलते हैं और दिखाते हैं आपको। ये देखिए, बोलो जोर से, बोलो जय माता दी। नजारा था, माता रानी के दर्शन बहुत अच्छे से हो गए। अब जा रहे हैं माता रानी की गुफा में। तो हाँ, देख लिया बेटा, बहुत अच्छा क्रोकोडाइल है वहाँ पर। तो चलिए जी, चलते हैं। तो देखो, यहाँ से गुफा स्टार्ट हो जाती है। माय गॉड, जोर से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जोर से, बोलो सारे बोलो जय गणपति महाराज की जय। आज अंधेरा आ रहा है, बहुत ज्यादा अंधेरा है यहाँ पर, और कॉपीराइट आ जाएगा तो बोल भी नहीं सकती हूँ। आप देख लीजिए, बोलो साचे दरबार की जय। जय हो माता रानी की जय। माय गॉड, जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी। सो गाइस, बहुत ही अच्छा मंदिर था, घूमकर बहुत मजा आया। गुफा तो बहुत ही अच्छी थी, बहुत अंधेरा था यहाँ पर। तो चलिए, अभी कभी मतलब काफी अंधेरा हो गया तो प्रेम मंदिर बंद हो जाएगा, तो हम उसमें जाते हैं वरना वो रह जाएगा हमारा। ठीक है जी, बाय।
तो देखिए फिर से एक गुफा आ गई है, दूसरी गुफा है, माय गॉड कितना पानी है इसके अंदर। जय माता दी। उन्हें पता ना होए ना यहाँ गुफा है, अब ये बाद में आएंगी, अब क्या देखा टाइम नहीं है। जय भैरव बाबा की, जय भैरव जी। थक चुके हैं, अब बैठ गए हैं गाइस, और ये व्लॉग यहीं तक का था। प्लीज लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे आपको प्रेम मंदिर में, ठीक है जी। काफी लंबा व्लॉग हो गया, अब मैं फोन कर लेती हूँ, बाय गाइस। जाते जाते हमें मिला है प्रसाद, और इसमें ना ये सेम ऐसा प्रसाद मिलता है जैसा वैष्णो देवी पे मिलता है, एक कॉइन मिलेगा चांदी का और ये मिश्री का प्रसाद। तो गाइस घर जाके खाएंगे, बोलो जय माता दी। काफी अच्छा रहा इस मंदिर का जो विजिट था, तो आप भी आइए अगर यहाँ पर कभी वृंदावन में आते हैं, काफी अच्छा मंदिर है गाइस। चलिए जी चलते हैं, व्लॉग का कर देते हैं एंड, मिलेंगे आपसे कल नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में। बाय गाइस, राधे राधे, जय माता दी।